यूके सुपरफास्ट दिखाएंगे आपको हर खबर अब रफ्तार के साथ। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीईसी की बैठक के बाद पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच एक घंटे तक बातचीत हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में नहीं हुए शामिल। 12 मार्च को भोपाल में ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता। भोपाल में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, 94 विधायक हुए शामिल। सीएम ने कहा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हार नहीं मानेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बोले सीएम कमलनाथ, हमारे पास बहुमत, सदन में साबित करेंगे। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधायकों के साथ सांसद भी हुए शामिल। भोपाल से बीजेपी विधायकों को फ्लाइट से भेजा जा रहा है दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा भेजे जाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी विधायक। मध्य प्रदेश से बाहर भेजे जा रहे हैं बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद राकेश सिंह को दी गई है ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदारी। दिल्ली से ही एमपी की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं राकेश सिंह। मध्य प्रदेश से बाहर जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक, एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस विधायकों की मांग को एमपी के सीएम कमलनाथ ने दी मंजूरी। कल स्पेशल प्लेन से जाएंगे सभी कांग्रेस विधायक। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। चिट्ठी में लिखा कांग्रेस में रहकर नहीं कर सकता था देश सेवा। बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस ने सिंधिया को निकाला पार्टी से बाहर, कांग्रेस ने मानी हार। अधीर रंजन बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर खतरा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य के दाव से संकट में कमलनाथ सरकार, कांग्रेस के 22 विधायकों का इस्तीफा। सभी विधायकों का इस्तीफा लेकर पहुंचे भूपेंद्र सिंह। इटावा में होली के मौके पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ नजर आए। होली समारोह में अखिलेश यादव ने फूलों की होली खेली तो वहीं शिवपाल यादव ने भी सभी नेताओं को होली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा रंगों का उत्सव होली शरद ऋतु के समापन और वसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। ये त्योहार सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा रंग उमंग और आनंद के त्योहार होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आए। देश भर में होली की धूम। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा के बाद की रंग खेलने की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने जनता को होली की शुभकामनाएं दी। कहा कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम त्रिवेंद्र ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके होली की बधाई दी। मायावती ने ट्वीट किया होली के पर्व की उत्तर प्रदेश सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आगरा के कचौरा गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान, आलू चोरी के आरोपी पर बरसाई गई लाठियां, आरोपी की हालत गंभीर, एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली हिंसा से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दिल्ली हिंसा का शिकार हुए दिलबर सिंह नेगी के परिवार से की भेंट, पीड़ित परिवार को तत्काल 51,000 रुपए देने का ऐलान किया। दिलबर नेगी की दिल्ली हिंसा के दौरान की गई थी हत्या। आगरा में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर खंभे से टकराई, बाइक सवार 3 युवक हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती।
कानपुर में होली खेलकर लौट रहे शख्स की ट्रेन से कटकर मौत। नशे में था शख्स, मृतक का साथी मौके से फरार। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादा नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। बहराइच में एक युवक की हत्या, छोटे भाई पर लगा युवक की हत्या का आरोप। हत्या कर शव को घर के अंदर ही दफनाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जौनपुर में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई। मथुरा में अनोखी जूता होली का जबरदस्त क्रेज सामने आया। उम्र में बड़ा व्यक्ति छोटे को जूता मारता है, कई वर्षों से चली आ रही है यह परंपरा। उन्नाव के जिलाधिकारी ने वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ अलग अंदाज में होली मनाई। बुजुर्गों को अपने हाथों से गुजिया और मिठाई भी खिलाई। फरुखाबाद में लोगों ने गाय के गोबर से जमकर होली खेली। एक दूसरे पर गोबर फेंककर रंगों के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया। चित्रकूट में भी धूमधाम से होली मनाई गई। रंगों की बौछार के बीच लोगों ने होली का खूब लुत्फ उठाया। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ेलकर प्रेम पूर्वक गले मिलकर शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में होली के मौके पर भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता और विधायक शामिल हुए। झांसी में सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल देखने को मिली। वीरा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने होली खेली। हर सिद्ध माता मंदिर के पास लगा मेला, लोगों की लगी भारी भीड़। प्रयागराज में लोकनाथ चौराहे पर खास तरीके से मनाई गई होली। लोगों ने रंगोली बनाई, साथ ही एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। फब्बारे से निकल रहे पानी में डीजे की धुन पर खुशी से झूमे लोग। झांसी में लोगों ने मनाई होली। होलियारों की टोली बनाकर गांव गांव घूमकर फाग गीतों पर थिरके लोग, मस्ती में सराबोर नजर आए लोग। महाराजगंज में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई होली। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल डालकर और नाच गाकर होली मनाई। बच्चे और महिलाओं में खुशी का माहौल। देहरादून में भी लोगों ने धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया। हर जगह लोग होली के जश्न में सराबोर नजर आए। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम से होली मनाई गई। बांके बिहारी मंदिर में होली के उत्सव में देश विदेश से आए श्रद्धालु शामिल हुए। हर तरफ उड़ा गुलाल। होली के मौके पर लखनऊ एयरपोर्ट को सजाया गया था। लखनऊ मेट्रो की सेवा दोपहर 2:30 बजे से हुई शुरू, रात 10 बजे तक थी आखिरी मेट्रो। प्रयागराज में कवियों और गायकों ने होली पर समा बांध दिया। कोरोना वायरस से लेकर सियासी उठापटक पर गीत गाए। नैनीताल